क्या सोचना है, क्या बड़ा करना है। अगर आप ये समझ जाए कि मुझे सोचना क्या है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आज सोचने का तरीका में भी प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को, मेरे भी अंदर था, मैं अभी भी उसको ठीक ही कर रहा हूँ और करते करते सही हो रहा हूँ, है ना। कोई भी रास्ता धीरे धीरे सही होते रहता, होते ही रहता, फिर बनता, फिर खराब होता, फिर होता है, यस या नो। तो सोचने का, हिम्मत करने का मतलब क्या है, आज जो भी धरती पे लोग हैं, खास करके भारत में 100 में से 99% से ज़्यादा लोग, संख्या याद रखो, 100 में से 99% से ज़्यादा लोग दो तरीके से सोचते हैं, या तो वो पास्ट के बारे ज़्यादा सोचते हैं या तो वो फ्यूचर के बारे ज़्यादा सोचते हैं, हाँ या ना। किसके बारे सोचते हैं, या तो फ्यूचर। आज मुझे बताइए, आप दोपहर को खाना खाए थे, हाँ जी, पक्का कंफर्म? कल दोपहर को फिर खाओगे, कंफर्म? अगर आज डेथ हो गया तो कैसे खाएंगे? अब सीधा सा एक बड़ा गजब का सवाल का जवाब है, कल जब दोपहर को खाना खा रहे थे तो क्या वो पास्ट था या प्रेजेंट था? उस वक्त क्या था वो? प्रेजेंट था। आज जब दोपहर को खाना खाएंगे तो वो क्या रहेगा? फ्यूचर है। अभी अभी आप यहाँ बैठे हैं, ये क्या है, क्या है? कल दोपहर को जब आप खाना खा रहे होंगे तो भी प्रेजेंट ही होगा। यानी कि आप ऑल लाइफ जो आप जीवन जीते हैं वो ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, ओनली फॉर प्रेजेंट। सिर्फ आप प्रेजेंट को जीते हैं। क्या जीते हैं आप, क्या जीवन जीते हैं हम, कौन सा जीवन जीते हैं आप? कभी पास्ट को नहीं जी सकते, कभी फ्यूचर को नहीं जी सकते। कल जो दिन आएगा वो भी आपका प्रेजेंट होगा। अभी जो आप जी रहे ये भी प्रेजेंट है, और कल जो आप जिए थे वो भी प्रेजेंट ही था। हम उसे नाम देते हैं पास्ट और फ्यूचर, और यही हमें डिस्टर्ब करता हर वक्त। अगर आप इसे सही करना चाहें तो एक पॉइंट पे टिक जाओ कि मैं अगला जो एक मिनट अभी आने वाला है, कितना बज रहा टाइम, 1:05, 1:06 में मैं क्या सोचूंगा, ये अभी सोचो। 1:06 में मुझे क्या सोचना है, यही बोलते सोचने की हिम्मत। तो क्या हम ग्रोथ के बारे सोचेंगे, क्या हम सफलता के बारे में सोचेंगे, क्या हम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए सोचेंगे, क्या हम अपने फैमिली को और बेहतर करने के लिए सोचेंगे, क्या हम अपने समाज के लोगों के लिए सोचेंगे, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए सोचेंगे? जैसे आप ये क्वेश्चन अपने दिमाग में डालेंगे वैसे आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों टूट जाएगा, बचेगा सिर्फ प्रेजेंट। यानी आपका ध्यान आएगा सिर्फ काम में, अपनी सफलता में, अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी पाओगे, हाँ या ना। इसीलिए कहा गया सोचने की हिम्मत तो करो। लेकिन कई लोग, मेरे साथ उसने 3 साल पहले ऐसे किया था, 2 साल पहले वैसे हुआ था, वहां गए थे तो उसने बेइज्जती कर दिया था, जो भी कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। आज मुझे बताइए, कोई भी इंसान फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो प्रेजेंट के लिए करता है। अभी भी प्रेजेंट, कल भी प्रेजेंट होगा, आने वाला 6 साल बाद का जो दिन होगा वो भी प्रेजेंट ही होगा। तो अगर आप ये डिसाइड कर ले कि अगला 5 मिनट जो वक्त मुझे मिल रहा है इसमें मुझे सोचना क्या है, अगर आप सोचने में कमांड कर लो तो आप पूरे जिंदगी को कमांड कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये लाइन कब से देख रहे थे आप? दुनिया के एक सफल इंसान हेनरी फोर्ड साहब वही कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, सोचना। जैसे आप अभी का सोचना शुरू कर दोगे ना कि अगला 2 मिनट मुझे सोचना क्या है, तो जितने नेगेटिव थॉट्स है वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय, है ना। जितना डर होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। फिर आप पॉजिटिव थिंक